सुजानपुर संधोल मार्ग पर खुले में खाली सिरिंज और टीके बरामद किए गए हैं, जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दूरभाष के माध्यम से जैसे ही विभाग के आला अधिकारियों को दी गई, वैसे ही विभाग ने बिना देरी किए अपने स्वास्थ्य टीम के साथ ब्यास नदी के तट पर लगभग 100 खाली टीके बरामद किए हैं। आकांक्षा जताई जा रही है कि एक अज्ञात निजी क्लिनिक चलाने वाले ने ये खाली सिरिंज उपयोग करने के बाद यहां फेंक दी है। बीएमओ ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने के लिए प्राइवेट क्लिनिकों से पैसे लिए जाते हैं, जिसका टेंडर बायोमेडिकल कांगड़ा को दिया गया है, लेकिन चंद पैसे बचाने के लिए ये बायोमेडिकल वेस्ट सड़क किनारे फेंक कर कोई चला गया था। बीएमओ सुजानपुर डॉक्टर रमेश ने मौके पर टीम सहित पहुंचकर बायोमेडिकल वेस्ट को उठवाया और इसके सही निष्ठान करने की बात कही। उन्होंने बताया कि ये बायोमेडिकल वेस्ट उठा लिया गया है और खुले में फेंकने पर इसमें कई तरह की बीमारियां पनपने का डर होता है। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। दिनांक 25/5/2021 को विपुल गुप्ता पत्रकार के द्वारा जो मुझे सूचित किया गया 2:56 पे कि ऐसे ऐसे ब्यास फ्लाई रोड पे जो है सड़क के किनारे जो है वो यूज्ड सिरिंजेस और ब्रोकन वायल्स जो है पाई गई है। तो मैंने मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर आके हमने देखा कि जो यहाँ पर 100 से 150 सिरिंजेस यूज्ड सिरिंजेस और वायल्स जो है पाई गई, और जो जिसमें जो जो कोई भी जो कोई दवाई वगैरह कोई वो नहीं पाई गई, ठीक है, यूज थी सारी सारी जो बायो वेस्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उसमें जो है मौके पे आके पुलिस को सूचित किया गया, MOH को सूचित किया गया और FIR लॉज कराई गई।